सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेटीएम के अंदर एटीएम कार्ड यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ऐड करना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। आप बैंक ऐड करना चाहते हो तब भी एटीएम कार्ड ऐड करते हो तब भी नहीं हो रहा है, और पैसे ऐड करना चाहते हो तब भी नहीं हो रहा है, तो कैसे आपको करना है। यहाँ पर आपको आ जाना है डायरेक्टली बैलेंस एंड हिस्ट्री के अंदर, और फर्स्ट में तो मैं यहाँ पर बैलेंस ऐड करके बता देता हूँ आपको, कुछ दिखाई नहीं देगा तो, बट ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना। तो ऐड मनी वैलेट टू क्लिक करना है, प्रोसीड टू करना है, ऐड मनी करना है, और यहाँ पे आपको नीचे ही नीचे आपको अपना डेबिट कार्ड ऐड करना है। तो आपको जो भी डेबिट कार्ड है ऐड करना, सेव करना उसको, और पे पर क्लिक करना, आपका हो जाएगा ऐड। आपका सही डेबिट कार्ड हो है तो हो जाएगा, और सही डेबिट कार्ड नहीं है तो नहीं होगा फ्रेंड। और यहाँ पे बैंक ऐड करना चाहते हो तो वापस से बैलेंस एंड हिस्ट्री में आना है आपको, यूपीआई सेटिंग में जाना है। यूपीआई सेटिंग में जाकर बाद यहाँ पे नीचे नीचे ऐड बैंक अकाउंट करना है, और आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, और डेबिट कार्ड ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो जाएगा फ्रेंड। तो ऐसे करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हो फ्रेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना फ्रेंड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।